सो मैं इसे अभी यहाँ से ले लेता हूँ और इसको लेकर सीधा ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। सो ये हमारा अभी फुटेज यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसके अंदर ऑटो ट्रैक करनी है। सो राइट क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग में जाएंगे और यहाँ से ऑटो ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे। ऑटो ट्रैक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो जब आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाएगा करंट ग्रुप, तो एक ही है। इसलिए एक है क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि किसी किसी फुटेज में हमें दो या तीन चीज़ों को भी ट्रैक करना पड़ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग ग्रुप करके ट्रैकिंग करते हैं। प्रीसेट्स इज नथिंग, सो डोंट नीड टू चूज एनी काइंड ऑफ प्रीसेट्स, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई प्रीसेट्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइक ऐसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये सारे चैनल्स हैं कि किस पर्टिकुलर चैनल पे आप काम करना चाहते हो वो चीज़। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा कैंडिडेट नंबर। कैंडिडेट नंबर की मतलब आप कितना नंबर ऑफ ट्रैकिंग जो है आप कितना लेना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही रखते हैं, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 150 के आसपास। एंड द टारगेट नंबर, टारगेट नंबर मीन्स कि कितने ऐसे पॉइंट्स को आप टारगेट करना चाहते हो जो पॉइंट्स एक्चुअल में परफेक्ट ट्रैकिंग के हिसाब से, ट्रैक पॉइंट के हिसाब से आपको मिलना है। तो इसे भी मैं तकरीबन 90 के आसपास रख लेता हूँ। विंडो साइज कितना रहेगा वो भी आप कर सकते हो। सर्च रेंज वगैरह भी आप बढ़ा सकते हो, जो भी यहाँ पे एक सर्च रेंज आता है वो चीज़। पिक थ्रेशोल्ड जो है वो रहता है कि आपका जो यहाँ पे देखो थ्रेशोल्ड फॉर फीचर स्पीकिंग, लाइक कि अगर कोई फीचर्स जो भी यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट्स आता है उसको फीचर्स बोलते हैं, वो फीचर्स कितना तक रहना चाहिए, मिनिमम कितना तक आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ मतलब कि वो कितना लेंथ तक आप उसको रखना चाहते हो, कि जैसे 5 मैंने रखा है, तो एटलीस्ट अगर 5 फ्रेम तक अगर हमारा कोई भी फीचर्स यानी कि ट्रैकिंग पॉइंट्स जो ट्रैकर्स हैं अगर वो सरवाइव करता है, तो वो एक गुड ट्रैक के हिसाब से हमें यहाँ पे देगा। फेल्यूअर है तो फेल्यूअर को अभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। और यहाँ पे आप अगर प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, तो ये देखिए आपके जो प्रीव्यू हैं, जो भी फीचर्स शो कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। सो इट्स गुड वन। आप इसको यहाँ पे अगर कोई ब्लर इमेज है तो आप ब्लर भी कर सकते हैं, एंड लाइक इल्यूमिनेशंस को भी ऑन कर सकते हैं अगर कुछ वैसा कलर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हमारा 0 से लेकर 114 तक करना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ 0 से लेकर 60 तक ही करना है, तो आप यहाँ पे 60 डाल देंगे, तो आपका ये काम 60 तक ही ये सिर्फ ट्रैकिंग पॉइंट्स होगा, उसके बाद नहीं होगा। फीचर्स स्केल अभी हम स्मॉल रखते हैं, आप लार्ज भी रख सकते हो किसी किसी केस में। सर्च मोड जो है वो यहाँ पे आपको बेटर स्पीड, बेटर एक्यूरेसी मिलेगा, तो हम यहाँ से बेटर एक्यूरेसी करेंगे कि ताकि वो एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड कर सके। डिफॉर्मेशन की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन वैसा है नहीं। अगर आप प्ले करके देखेंगे इस फुटेज को, एक बार प्ले करके पहले रेंडर कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ वैसा खास डिफॉर्मेशन आपको नहीं है, मतलब आपको कुछ खास डिफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अगर वैसा कुछ डिफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू चूज एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन थिंग फ्रॉम दिस टैब। लेकिन अगर ये रोटेट हो रहा है या स्केल हो रहा है या कुछ पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ कुछ भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो यू कैन चेंज, यू कैन चूज लाइक फ्रॉम डिफॉर्मेशन टैब। सो ये देखो अभी हमारा ये इमेज रेंडर हो चुका है, और इमेज रेंडर होने के बाद अभी आपको यहाँ से क्या करना है कि जो भी लेंथ आप पिक करोगे वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज ये रेंडर हो चुका है। दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट कि आपका रेंडर हो चुका है। लोकल मोशंस, अगर यहाँ पे कोई कैमरे का मोशंस है लाइक फ्री कैमरा है या फिर कोई भी चीज़ है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर कोई रोटेशन या कुछ भी हो रहा है तो। लेकिन अभी मैं लोकल मोशन इज गुड वन, सो अभी हम इसको लोकल मोशन पे ही रखेंगे। एंड अभी हम इसको कर देंगे ट्रैक। तो ट्रैक के लिए आपको इस ऑटो ट्रैक वाले बटन पे जस्ट क्लिक करना है एंड आपको वेट करना है। चलिए, सो हमारा ये अभी ट्रैकिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपको ट्रैकिंग कंप्लीट होता है, आपके सामने ये 2D पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हो। तो काफ़ी स्टेडी टाइप से हमारा ये जो ट्रैक है वो हुआ है। तो ट्रैकिंग तो अभी तक हमारा अच्छा हुआ है, लेकिन अभी अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है ये बताना मुश्किल है। ये कब हम डिसाइड कर सकते हैं, जब आपका यहाँ से ट्रैकिंग का जो कैमरा सॉल्व है, जब वो कैमरा सॉल्व हो जाएगा तभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ट्रैकिंग है
वो कितना परफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम करते हैं कैमरा सॉल्विंग। तो यहाँ से आपको लेना है सॉल्विंग एंड कैमरा सॉल्वर, ठीक है। आप ऑटो ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कैमरा सॉल्विंग में जाएंगे एंड कैमरा सॉल्वर आप ले लेंगे। कैमरा सॉल्वर में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पे ग्रिड भी दिखेगा, लेकिन अभी ये कुछ हुआ नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से इस सॉल्व ऑल के बटन पे क्लिक कर देना और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पे स्टार्ट एंड है, लाइक आपने ट्रैक तो किया है 114 तक, लेकिन अगर सपोज मान लो आपको सॉल्विंग सिर्फ 80 या 90 फ्रेम तक ही करना है या फिर 20 से 90 तक करना है, तो आप यहाँ पे वो रेंज भी सेट कर सकते हैं। सो ग्राउंड, ये ग्राउंड अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिए। सो हॉरिजन अगर नहीं देखना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए, लेकिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री तो हमारे पास है नहीं, अगर आप सो प्रोजेक्शंस तो ये सारे कुछ भी है नहीं अपने पास, तो अभी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकल लेंथ वगैरह जो भी है यहाँ पे परफेक्ट अभी ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको फोकल लेंथ पता है, लाइक आप जानते हो कि फोकल लेंथ आपके इस फुटेज का कितना है, तो आप यहाँ पे अननोन में जाकर नोन करो और नोन में जाकर आप यहाँ पे फोकल लेंथ डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें फोकल लेंथ का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हम इसको अननोन कर देंगे, यानी कि हमें नहीं पता कि इसके फोकल लेंथ कितने हैं। आने वाले जो फुटेजेस होंगे उसमें में भी हमें यह पता होगा कि हमारा फोकल लेंथ कितना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नोन करके और इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है या इंच में, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से ट्रांसलेशन को चूज करेंगे तो आप यहाँ से स्मूथ वगैरह भी दे सकते हो, अदरवाइज अभी आपको कुछ खास देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व ऑल कर दीजिए। अब आपका ये डेटा सॉल्व होगा और ये डेटा आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आपको तीन कलर के ट्रैक पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, तीन कलर के आपको दिख रहे होंगे। एक रेड है, एक आपको यहाँ पे लाइक येलो ऑरेंज तरीके से है, और एक जो है वो है आपका लाइक ग्रीन। तो ग्रीन वाले जो ट्रैक हैं वो बहुत बेहतरीन ट्रैक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन वाले जितने भी ट्रैक हैं वो सारे के सारे बेहतरीन ट्रैक हैं। एंड जो ऑरेंज वाले हैं वो थोड़े अपडेट होने चाहिए थे उनको, वो पूरे अच्छे वाले नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे और भी एक चीज़ें मिलेंगी, चलिए उसके बारे में भी हम थोड़ा बाद में आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। सो अभी अपन क्या करने वाले हैं यहाँ से, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड। सो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि यहाँ पे इसको ओरिएंट करना है, इस सीन को। आप चाहो तो यहाँ से भी लाइक ओरिजिन सेट कर सकते हो, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप सेट ओरिजिन यहाँ से भी डाल सकते हो, लेकिन आप सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पे लाइक यूटिलिटीज के अंदर में जाकर ओरिएंट सीन करिएगा, ठीक है। सो ये ओरिएंट सीन आपको मिलेगा और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे ओरिएंट सीन में हम आ गए हैं अभी। सो यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि हमें ओरिएंट उसी को कोशिश करना है बनाने के लिए जो तकरीबन हर एक फ्रेम में ग्रीन रहा हो, रेड एटलीस्ट नहीं हुआ है। तो जैसे मैं ये इसको सोच रहा था तो मुझे जब मैंने प्ले करके देखा तो मुझे लगता है यहाँ पे देखो ये रेड हो गया है, तो ये मेरे लिए उतना नहीं है, लेकिन ये जो है ये ऑलमोस्ट सारे फ्रेम में ही ग्रीन है, रेड तो नहीं हुआ है। तो मैं इसी को पकड़ूंगा और इसको पकड़ने के बाद मुझे यहाँ से आके लाइक यहाँ पे सेट ओरिजिन कर देना। जैसे आप सेट ओरिजिन करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो हो गया, अभी आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं प्लेन के ऊपर हैं और बहुत सारे प्लेन से इस ग्रिड से नीचे हैं, बहुत सारे ऊपर में भी पॉइंट्स हैं। हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। एक तो अगर आपके पास वैसा सेटअप है तो आप एक्स वाई सेट कर दीजिए इसका और एक ओरिजिन, तो भी आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको कुछ पॉइंट्स और आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ से मार्क्यू पे क्लिक करते हैं और ऐसे ड्रैग करके शिफ्ट यहाँ से लाइक ऐसे कंट्रोल दबा के मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं सेट कर लेता हूँ इन सबको। तो जो मुझे उन्हीं पॉइंट्स को लेने जो पॉइंट्स ग्रिड पे हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा ये सारे ग्रीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऐसे सारे ग्रीन पॉइंट को। और देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो एकदम वाइट हैं, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो ना तो यहाँ पे कुछ समझ में आएगा कि देखो कुछ कुछ पॉइंट्स आपने ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जो ऊपर में हैं, राइट। ये देखो कुछ कुछ पॉइंट्स आपने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो ऊपर में है, तो ऊपर वाले पॉइंट्स को हमें सेलेक्ट ही नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के पॉइंट को ही
सेलेक्ट करना है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसका अभी हमें इसका ग्राउंड प्लेन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें कोशिश करना है कि जो भी पॉइंट्स ग्राउंड पे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको सेलेक्ट किया जाए। सो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लिए यहाँ से पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स को अगर हम देखें लाइक ऐसे, तो देखो ये हवा में है, ठीक है, लेकिन चलो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी देखो दूर तक गया है, कोई टेंशन नहीं, ये सारे ग्राउंड पे ही है, ये तो कंफर्म है कि ये ग्राउंड पे ही है। तो ऐसे हमने कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहां पे आना है और यहां से आकर कर देना है एक्स जेड प्लेन। जैसे एक्स जेड प्लेन किया, आप देख सकते हो कि हमारे सारे पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे आकर बैठ चुके हैं, यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे आ गए, यहाँ पे डन। लेकिन ये कुछ परफेक्ट नहीं हुआ है, तो अब हमें इसे ठीक करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पहले छोटा करता हूं, एंड करने के बाद आप यहां पे आएंगे और यहां से लेंगे रोटेट, और रोटेट, अच्छा पहले आप बाहर में ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो यहां पे आ जाइए और इससे आप रोटेट लेकर इसको आप ऐसे सेट कीजिए। ओके, रोटेट लेना है, इसको आप मूव मत कीजिएगा, ठीक है, इसे हम मूव नहीं करेंगे, इसे हम मूव बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहीं पे भी मूव नहीं करना है। आप अगर इसको ओरिजिन बनाया है तो आपको कोशिश करना है इन्हीं चीजों पे ध्यान रखने की। ये देखिए ये हॉरिजन लाइन है, तो हॉरिजन लाइन को भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा परफेक्ट करने का, डन। थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे मैच करें, और चाहो तो आप इसको ग्रिड को थोड़ा बड़ा भी कर लो, और बड़ा करके भी आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। यहाँ पे कोई भी एक लाइन के साथ आप रेफरेंस लेके करना, तो जैसे ये लाइन है तो ये लाइन को हम रेफरेंस लेके कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे ऐसे हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से कर देना है माइनस और यहाँ से प्लस, जो भी आप करके जैसा भी रखना है रख लीजिए। जब ये हो जाए आप इसको कर लीजिए नन, एंड नन करने के बाद आप एक बार इसको प्ले करके देखिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये टेढ़ा हो रहा है। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये जहां तक हुआ है ये परफेक्ट ही है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके देख लेता हूं, और यहां पे हम इसको ऐसे ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पे कुछ तो एक गड़बड़ है। ये गड़बड़ आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको 3D वगैरह में लेकर जाएंगे। सो अभी तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, या फिर अगर इस पॉइंट को हम पकड़ के इसको सेट ओरिजिन कर दें तो भी हमारे लिए सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये देखो हमारा ये ओरिजिन अभी ऐसे हमने रख लिया और अभी ये सही चल रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे रोटेट में वापस आएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा, डन, और यहाँ से नन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको टेस्ट ऑब्जेक्ट लेने हैं, एंड देन मैं यहां से ले लेता हूं लाइक मशरूम और इसको कर दो एड टू सीन, एंड यहां पे आइए और इसको कर दीजिए प्लेस एट सिलेक्टेड पॉइंट्स। तो मैंने यहां पे ऐसे डाल दिया, इसको डुप्लीकेट करेंगे, तो इधर डाल दिया, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो ऐसे हमने यहां पे डाल दिए हैं। अब मैं इसको एक बार प्ले कर लेता हूं। अब प्ले करके अगर आप देखेंगे तो ये काफी बेहतरीन तरीके से यहां पे अभी तक तो हो रहा है, बट डोंट वरी। चलो अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं जाता हूं सीधा एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूं, एंड जस्ट वेट, एक्सपोर्ट पे आ गए। अब आपको क्या करना है कि यहां से सबसे पहले आपको फॉर्मेट चूज करनी है, तो मैं यहां से फॉर्मेट ले रहा हूं लाइक 3ds मैक्स का एक फॉर्मेट हम लेंगे, जो कि आपको ये फॉर्मेट आपको लेना है 3ds मैक्स 2011 स्क्रिप्ट। उसके बाद आप एक फाइल नेम दे दीजिए, तो फाइल नेम मैं दे देता हूं यहां से,
और इसी के अंदर हम कैमरा दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक इसे टेबल, नाम दे देते हैं कैमरा, टेबल कैमरा एंड दस सेव, सेव कर दिया। अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया है ख़त्म, मतलब हमारा सारा जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको मैक्स के अंदर ले जाना है और वहाँ पे काम करना है।